हेलो दोस्तों, केम छो। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की शुरुआत करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने अगले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ सिग्नल कैसे निकाले जाते हैं और इसका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और इसकी केमिकल शिफ्ट क्या होती है। आज हम बात करेंगे उससे आगे जाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, रेफरेंस सॉल्वेंट यूज्ड इन डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमारी जो अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यानी कि H1NMR, 13C NMR, उसमें कौन कौन से सॉल्वेंट यूज होते हैं। कल हमने देखा था H1 में तो सारे देख लिए थे, फिर से लिख लेते हैं। रेफरेंस क्या होता है? H1NMR में कौन सा सॉल्वेंट रेफरेंस लिया जाता है? रेफरेंस यानी कि उसकी उसका सिग्नल आएगा, उससे रेफरेंस लेके किसी दूसरे का। कल हमने केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला देखा था। क्या था केमिकल शिफ्ट का? सैंपल माइनस रेफरेंस, यानी कि जो रेफरेंस है उसका सिग्नल हमें देखना है। तो सिग्नल आएगा TMS का। किसका? H1NMR में TMS रेफरेंस यूज होता है या तो DDS यूज होता है। क्या होता है? DDS। दूसरा आता है 13C NMR। 13C NMR में भी TMS क्या है? टेट्रामिथाइल सिलेन, वो यूज होता है। दूसरा क्या था? 2DNMR। 2DNMR में क्या आएगा? 2DNMR में आएगा CDCl3। ये सारे रेफरेंस यूज होते हैं। आप ये लिस्ट लिख लीजिए। कोई भी यदि आपकी MSc की एग्ज़ाम हो या कोई दूसरी एग्ज़ाम हो, उसमें यदि पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। 14NNMR में एमोनिया यूज होता है या तो नाइट्रोमीथेन यूज होता है। NO2 नाइट्रोमीथेन यूज होता है। उसके बाद आता है 19FNMR, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा CFCl3 या तो CFCl2। उसके बाद आता है 31PNMR। 31PNMR में H3PO4 या तो POME3 trice यूज होता है। उसके बाद क्या आएगा? 119SN3NMR, उसमें क्या आएगा? SN CH3 4 times टेट्रामिथाइल टीन यूज होता है। ये सारे सॉल्वेंट, ये सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज ए रेफरेंस लिए जाते हैं। तो इसकी लिस्ट लिख लीजिए, आपको इससे पता चल जाएगा कि कौन सा सॉल्वेंट कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेफरेंस लिया जाता है। बात करते हैं H1NMR में TMS ही क्यों लिया जाता है, दूसरा कुछ क्यों नहीं लिया जाता। और ये MSc में यदि आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी आ रही है तो उसमें ऐसा 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। वो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, उसका आंसर भी लिख लेंगे। तो लिखो क्वेश्चन, व्हाई TMS यूज्ड इन H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। एज ए रेफरेंस सॉल्वेंट। H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में TMS को रेफरेंस क्यों लिया जाता है? पहले तो इसका स्ट्रक्चर लिखिए, टेट्रामिथाइल सिलेन। देखिए 1 2 3 4 यानी टेट्रा मिथाइल, चारों कौन है? मिथाइल है। और सिलिकॉन को
सिलेन बोलते हैं, यानी कि यहाँ से आ गया उसका शॉर्ट फॉर्म TMS, टेट्रामिथाइल सिलेन। देखिए तो TMS में कितने प्रोटॉन है, पूरे TMS में यहाँ पे तीन तीन, यहाँ पे भी तीन, यहाँ पे भी तीन प्रोटॉन, यानी कि सारे को मिला के कितने हो जाएंगे, 12 प्रोटॉन। तो लिखिए यहाँ उसका आंसर लिखिए, इन टीएमएस ऑल 12 प्रोटॉन आर इक्विवेलेंट एंड गिव्स कॉमन सिग्नल एट 0.0 डेल्टा बीपीएम इन H1NMR। देखो ये 12 के 12 प्रोटॉन, ये 12 प्रोटॉन इक्विवेलेंट है, सारे के सारे इक्विवेलेंट है, एंड हमें कॉमन सिग्नल देंगे, कहाँ पे देंगे, 0.0 डेल्टा बीपीएम के, ये सारे प्रोटॉन H1NMR में 0.0 डेल्टा बीपीएम पे हमें 12 का 12 प्रोटॉन सिग्नल देंगे। उसका मतलब क्या हुआ समझो, ये हमारा जीरो हो गया तो यहाँ पे सिग्नल आएगा 12 प्रोटॉन का सिग्नल, मैंने लिख दिया यहाँ 12 प्रोटॉन का सिग्नल है, ये समझना। और इसकी रेफरेंस लेके हम सभी के H1NMR डेटा निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ 2.4 डेटा बीपीएम, यहाँ 5.4 है, यहाँ 7.4 है, तो यहाँ पे कोई प्रोटॉन आया तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करके हमें पता चलेगा, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करके पता चलेगा कि ये प्रोटॉन की डेल्टा बीपीएम कितनी है, इसीलिए इसको रेफरेंस लिया जाता है। और इसी को ही क्यों रेफरेंस लिया जाता है, तो उसका रीजन लिखिए, TMS इज इनर्ट एंड डज नॉट रिएक्ट विथ एनी सैंपल। हमारा जो ये सॉल्वेंट है TMS, क्या है सॉल्वेंट, उसमें हम हमारा सैंपल क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे, हमारा सैंपल उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन ये TMS उनसे कुछ भी रिएक्शन करेगा नहीं। TMS इनर्ट है और हमारे सैंपल के साथ कुछ रिएक्शन करेगा नहीं, इसलिए हमें जो NMR डेटा चाहिए वो किसका मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सैंपल का मिलेगा। अगला पॉइंट क्या है समझो, TMS इज हाईली वोलेटाइल। कितना है उसका, 27 सेल्सियस से उसका टेम्परेचर, वो 27 सेल्सियस पे बाष्प हो जाती है इसकी, इसीलिए ये उसमें यूज होता है। दूसरी बात क्या है, मोस्ट ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूबल इन TMS, मोस्ट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि कितने सारे सॉल्वेंट हमारे TMS में सोल्यूबल हो जाते हैं, इसीलिए TMS का यूज होता है। लेकिन इफ एनी सॉल्वेंट डज नॉट सोल्यूबल इन TMS, then we will use DDS। तो देखते हैं क्या है ये DDS, यहाँ लिखता हूँ मैं क्या है ये DDS। DDS का मतलब है CH3SI CH2 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 1 2 3 4 CH2 SO2 minus Na plus। समझो इसका नाम क्या है, यहाँ से हम 1 2 3 4 5 इसको ये लिख सकते हैं 2 2 डाइमिथाइल
2,2-dimethyl। दूसरे नंबर पे क्या है, कार्बन नहीं है सिलिकॉन है, इसलिए इसको लिखा जाता है 2-सिला। 5 तक क्या है कार्बन, पेंटेन, 2-सिला पेंटेन। ये क्या है सल्फोनेट, टू सिला पेंटेन सल्फोनेट। ये हो गया हमारा DDS। जब कोई भी सैंपल यदि TMS में सोल्यूबल ना हो तब हम क्या यूज़ करेंगे, DDS यूज़ करेंगे। आई बात समझ में? ये था एक क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन कई बार 2 मार्क्स में आपकी MSc के एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको लिख लेना। बात आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्ट ऑन केमिकल शिफ्ट। उसमें पहला लगा दीजिए, हमने जो कल केमिकल शिफ्ट की बात की थी उसमें कौन कौन से फैक्टर जो हमारी केमिकल शिफ्ट पे अफेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। और समझना ये आपको इंटरप्रिटेशन, ये इंटरप्रिटेशन स्ट्रक्चर इंटरप्रिटेशन करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो पहली बात, नंबर ऑफ एच एटम इंक्रीज ऑन सेम कार्बन। यदि एक ही पे हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती जाए तो डेल्टा ppm पे क्या इफेक्ट होती है समझो। और ये पॉइंट लिख लेना साथ में, नंबर ऑफ एच एटम इंक्रीज ऑन सेम कार्बन। क्या बात कर रहे हैं, एक ही कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती जाए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ppm डिक्रीज। कल हमने देखा था, क्या देखा था तो कि ये देखा था, यदि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, ये सारे में sp3 कार्बन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इसकी डेल्टा ppm क्या थी, 1.5 डेल्टा ppm, इसकी क्या थी 1.3 और इसकी 0.9। देखो तो भाई यहाँ पे कितने, यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है उसकी डेल्टा ppm 1.5, यहाँ पे 2 प्रोटॉन हो गए, यानी कि प्रोटॉन की संख्या में इंक्रीज हुआ और वो इंक्रीज सेम कार्बन पे हुआ। एक ही कार्बन पे प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, यहाँ एक यहाँ 2 हो गई, तो डेल्टा ppm क्या हो गई डिक्रीज। यहाँ पे 3 प्रोटॉन हो गए तो डेल्टा ppm उससे कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने से नंबर ऑफ एच एटम इंक्रीज ऑन सेम कार्बन। दिख रहा है ना आपको, लेफ्ट टू राइट आ रहा है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज ऑन सेम कार्बन एंड डेल्टा ppm विल डिक्रीज, डेल्टा ppm कम हो रही है। ये हुआ हमारा पहला पॉइंट, लिखते जाना साथ में। दूसरा पॉइंट देखते हैं,
और आपने जीओसी में पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा टाइटल लगा दीजिए इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इसको बोलते हैं आय। यदि ये आपने पढ़ा होगा ये इंडक्टिव इफेक्ट या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। प्लस किसे बोलते हैं? जो डोनेट करता है, जो डोनेट करता है उसे हम प्लस आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो खींचता है, खुद खींचता है उसे हम माइनस आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इंडक्टिव इफेक्ट हमारी प्लस आई हुई तो डेल्टा पीपीएम क्या हो जाएगी? डेल्टा पीपीएम डिक्रीज हो जाएगी। और यदि इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई हुई तो डेल्टा पीपीएम इंक्रीज हो जाएगी। और एक बात बड़े अक्षर में लिख लेना आपने नोट्स पे, विड्रॉइंग इफेक्ट इंक्रीज, विड्रॉइंग इफेक्ट वो कोई भी विड्रॉइंग इफेक्ट हो सकती है, माइनस आर हो सकती है, माइनस एच हो सकती है, या तो माइनस आई हो सकती है। विड्रॉइंग इफेक्ट इंक्रीज होती है तो हमारी डेल्टा पीपीएम भी इंक्रीज होती है। विड्रॉइंग इफेक्ट यानी क्या हो सकता है? या तो माइनस आर हो सकता है, माइनस आर, माइनस एच, माइनस आई, ये सारे विड्रॉइंग इफेक्ट है। खींचते हैं मॉलिक्यूल में से, अपने मॉलिक्यूल में से ये एक ग्रुप कोई भी होगा वो खींचेगा। दूसरा क्या हो सकता है? रिलीजिंग इफेक्ट, रिलीजिंग इफेक्ट इंक्रीज। यदि रिलीजिंग इफेक्ट बढ़ जाए तो हमारी डेल्टा पीपीएम कम हो जाएगी। रिलीजिंग इफेक्ट यानी कि प्लस आर, प्लस एच, प्लस आई। देखो तो यहाँ क्या हुआ, रिलीजिंग इफेक्ट ने प्लस आई यानी रिलीजिंग इफेक्ट, माइनस आई यानी विड्रॉइंग इफेक्ट। यदि रिलीजिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाए तो डेल्टा पीपीएम कम हो जाएगी, यदि विड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाए तो डेल्टा पीपीएम बढ़ जाएगी। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, और आपने जीओसी में पढ़ा होगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। और जिसकी ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अपने ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपने ओर खींचेगा। यानी कि ये कार्बन पे विड्रॉइंग इफेक्ट हुई, ये कार्बन पे क्या हो गया? विड्रॉइंग इफेक्ट। जैसे ही ये कार्बन पे विड्रॉइंग इफेक्ट पड़ती है वैसे ही ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यानी कि टोटल क्या हुआ? टोटल हुआ, हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन पे विड्रॉइंग इफेक्ट हुई। कौन सी इफेक्ट? विड्रॉइंग इफेक्ट। विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ गई, और यदि विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ जाए तो उसकी डेल्टा पीपीएम बढ़ जाती है। इसकी क्या आएगी? अभी हम यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ही कंसिडर करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ आई लिखा। और ये आई का पावर, ये फ्लोरीन की आई का पावर ये सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब इसकी डेल्टा पीपीएम बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। हमने लिखा था कल केमिकल शिफ्ट में ये 4.4 देती है, उनसे कम, ये फ्लोरीन से कम है इसकी इंडक्टिव इफेक्ट, इसीलिए इस पे विड्रॉइंग इफेक्ट तो होगी। ये हाइड्रोजन पे विड्रॉइंग इफेक्ट तो होगी, लेकिन कितनी होगी? फ्लोरीन से कम होगी। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 3.4। ब्रोमीन की क्लोरीन से भी इंडक्टिव इफेक्ट कम है, इसलिए उसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होने से उसकी डेल्टा पीपीएम में इंक्रीज इतना नहीं होगा। और आयोडीन की तो सबसे कम है, इसलिए उसका आंसर आएगा 2.4। ये सब हमने कल देख लिया था, अब यहाँ हम कंपेरिजन करते हैं। देखो फ्लोरीन की इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा है ना, ये फ्लोरीन की इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, इसीलिए उसकी डेल्टा पीपीएम ज़्यादा हो गई। क्लोरीन से उनसे कम, ये क्या हुआ इंडक्टिव इफेक्ट? यहाँ से देखो, यहाँ से आयोडीन की 2.4 है, यहाँ जाओ तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ती है। और कौन सी इंडक्टिव इफेक्ट? माइनस आई। माइनस आई यदि बढ़ जाए तो डेल्टा पीपीएम इंक्रीज होती है। यहाँ से माइनस आई इनकी ज़्यादा है तो डेल्टा पीपीएम बढ़ी, इनसे भी इनकी ज़्यादा है तो डेल्टा पीपीएम फिर बढ़ी।
इसकी तो सबसे खतरनाक है, इसलिए इसकी डेल्टा पीपीएम फिर बढ़ गई। यानी कि ऐसा लिख सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने से क्या होगा। यहाँ हम लेफ्ट टू राइट लिखे, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट कम हो रहा है। और यदि इंडक्टिव इफेक्ट कम हो, माइनस आई इफेक्ट कम हो, तो डेल्टा पीपीएम डिक्रीज होती जाती है। दिख रहा है आपको डेल्टा पीपीएम डिक्रीज होती जा रही है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। और ये सब आपको याद रखना है कि क्या क्या इफेक्ट होती है और कौन सी इफेक्ट से हमारे डेल्टा पीपीएम पे क्या इफेक्ट होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, समझना। यह गोखने वाली या रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। समझो, फ्लोरीन CH, ऑक्सीजन CH, ब्रोमीन CH। ब्रोमीन है, एक ऑक्सीजन है, एक फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। और यदि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो तो इसकी माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद आता है ऑक्सीजन तो उसकी थोड़ी कम होगी, उसके बाद आता है ब्रोमीन तो उसकी उससे भी कम होगी। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रोमीन की इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन से ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट किसकी है, फ्लोरीन की। तो यदि इसका आंसर 3.0 है, क्या है इसका, 3.0 डेल्टा पीपीएम है। इसका हमने कल देखा था 3.5 है, इसका 4.4 है। ये बात हुई डेल्टा पीपीएम की। तो यहाँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज होता है। और यदि माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज हो तो डेल्टा पीपीएम भी डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट फ्लोरीन की है, माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन की है, तो इसलिए उसकी डेल्टा पीपीएम ज़्यादा होगी। फिर ऑक्सीजन, फिर आएगा ब्रोमीन। ये बात हुई इंडक्टिव इफेक्ट की। एक ही बात याद रखना है आपको, यदि विड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाए तो डेल्टा पीपीएम इंक्रीज होती है, रिलीजिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाए तो डेल्टा पीपीएम डिक्रीज होती है। यही हमने समझा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। क्या है तीसरा पॉइंट, लगा दीजिए टाइटल, तीसरा पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमने कल इसकी भी बात की थी। समझो क्या कहता है हाइब्रिडाइजेशन। ये कौन सा कार्बन है, sp3, sp2 या sp? ये sp3 कार्बन है। ये sp2 कार्बन है। और बात रही sp कार्बन की, ये कौन सा है, sp कार्बन है। लिखो तो आपको पता चल गया होगा, परसेंट एस कैरेक्टर किसका ज्यादा आएगा, इसका क्या आएगा, 25% है इसमें एस कैरेक्टर, इसमें 33.33% एस कैरेक्टर, इसमें 50% एस कैरेक्टर। तो क्या होता है डेल्टा पीपीएम, हम ऐसा लिख सकते हैं कि परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा हो तो डेल्टा पीपीएम ज़्यादा होगी। नहीं जी नहीं, क्या आएगा इसमें, sp2 की सबसे ज़्यादा होगी, फिर आएगा sp और फिर आएगा sp3। क्योंकि कल हमने देखा था इसकी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, यहाँ दोनों की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। और ये रहा sp कार्बन, इसकी डेल्टा पीपीएम 0.9 है, इसकी 5.9 है, और इसकी डेल्टा पीपीएम क्या आएगी, 2.8। यानी कि इसे हमें याद रखना होगा, क्या आएगा, sp2, sp एंड sp3। ये बात हुई हाइब्रिडाइजेशन की। आगे बढ़ते हैं,
सबसे इम्पोर्टेंट फोर्थ नंबर टाइटल लगा दीजिए रेजोनेंस इफेक्ट, और ये इफेक्ट आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। और इनसे कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, देखेंगे हम इसे कैसे सॉल्व करें। फोर्थ नंबर रेजोनेंस, रेजोनेंस यानी आर। समझो हम यहां तीन एग्जांपल लेते हैं। ये बेंजीन पे कोई भी ग्रुप रखा हुआ है, अब मैं ये बता दूं ये ग्रुप की इफेक्ट या तो प्लस आर और प्लस आई होगी। समझना, ये ग्रुप की इफेक्ट कौन सी होगी, प्लस आर हो सकती है और दूसरी प्लस आई है। ये ग्रुप की इफेक्ट है प्लस आर और प्लस आई। अब हमें बात करनी है ये एच ऑर्थो की, एच मेटा की और एच पेरा की। ये भी मेटा है, ये भी ऑर्थो है, ये तीनों की बात करते हैं हम। तो समझो इसको सोल्व कैसे करें। पहले तो देखो ये ग्रुप की इफेक्ट कौन कौन सी है, एक तो प्लस आर है, दूसरी कौन सी है, प्लस आई है। पहले लिखो प्लस आर सबसे ज़्यादा होगी, आपने जीओसी में वो सब कुछ पढ़ लिया है, प्लस आर ज़्यादा होगी। और यदि प्लस आर ज़्यादा हो तो प्लस आर कहाँ कहाँ पे लगती है, प्लस आर लगती है ऑर्थो पे और प्लस आर लगती है पेरा पे। और ये दोनों ऑर्थो और पेरा पे तो सेम लिखेगा होएगी ना, प्लस आर दोनों सेम, दोनों जगह पे सेम होगी। बात आती है इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे मैटर करती है, किन पे डिपेंडेड है, डिस्टेंस पे। जब जब डिस्टेंस बढ़ता जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होती है। क्या याद रखना, इन डिस्टेंस बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होती है। एक और बात समझा दूं मैं आपको, आप जीओसी में पेरा पे इंडक्टिव इफेक्ट बहुत मिनिमम होगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी ऑर्थो पे, यहाँ पे मीडियम होगी, यहाँ मैक्सिमम मीडियम और मिनिमम। लेकिन वो बात जीओसी की करते हैं, हम एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पेरा पे इंडक्टिव इफेक्ट रखते ही नहीं है। समझ लेना, पेरा पे लग आएगी इंडक्टिव इफेक्ट कौन सी लगती है, माइनस आई, यहाँ पे प्लस आई लगती है, लेकिन वो उसकी मात्रा बहुत ही कम होगी, बहुत ही मिनिमम इंडक्टिव इफेक्ट होगी। इसलिए यहाँ लिखो तो पहले आर तो लिख लिया हमने, मेटा पे आर इफेक्ट नहीं होती, यहाँ पे दूसरा क्या आएगा, प्लस आई इफेक्ट, मेटा पे भी प्लस आई इफेक्ट और यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट। लेकिन समझो यहाँ मान लीजिए यहाँ 90% इंडक्टिव इफेक्ट लग रही है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 60% हो जाएगी। और यहाँ पे आओ तो डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे तो सिर्फ 20% इंडक्टिव इफेक्ट लग रही है। तो इसको मैं समझाने के लिए आपको बता दूँ कि पेरा पे हम इंडक्टिव इफेक्ट स्पेक्ट्रो में कंसिडर नहीं करेंगे, पेरा पे लगती है, लेकिन एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हम ये इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। क्योंकि आपको आसानी से पता चल जाएगी कि किसकी डेल्टा पीपीएम ज़्यादा होगी, किसकी डेल्टा पीपीएम कम होगी। तो आई बात समझ में, अब हम इसकी बात करते हैं, ये सब हटा देता हूँ, ये सब तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। अब हमें बात करनी है ऑर्थोमेटा और पेरा में से सबसे ज़्यादा डेल्टा पीपीएम किसकी होगी। तो मैंने यहाँ अभी लिखा था थोड़े कि जब जब, याद रखना फिर से, जब जब रिलीजिंग इफेक्ट इंक्रीज हो, रिलीजिंग इफेक्ट इंक्रीज हो, तो हमारी डेल्टा पीपीएम कम हो जाएगी। देखो तो ये सारी जगह रिलीजिंग इफेक्ट लग रही है ना, यहाँ पे प्लस इफेक्ट है यानी कि रिलीजिंग इफेक्ट है। और यदि रिलीजिंग इफेक्ट इंक्रीज हो तो ये प्रोटॉन की डेल्टा पीपीएम कम होगी। लेकिन ये सारे में से सबसे ज़्यादा कम किसकी होगी, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे कौन कौन सी इफेक्ट लग रही है, प्लस आर और प्लस आई, यहाँ पे सिर्फ प्लस आई, यहाँ पे प्लस आर, और ये प्लस आई है उसकी मात्रा बहुत ही कम है। ये प्लस आई दिख लिया, प्लस आर। बात करते हैं मेटा की, देखो यहाँ प्लस आर इफेक्ट नहीं लग रही, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ प्लस आई है, और ये प्लस आई उसका
रिलेशन यहाँ से देखो, प्लस आर और प्लस आई का रिलेशन, प्लस आर तो ज़्यादा ही होगी, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे कम रिलीजिंग इफेक्ट मेटा पे हुई, तो डेल्टा पीपीएम का ऑर्डर क्या आएगा? डेल्टा पीपीएम का ऑर्डर आएगा एच मेटा। आई बात समझ में? इसकी रिलीजिंग इफेक्ट यहाँ पे सबसे कम लग रही है, इसका मतलब इसकी डेल्टा पीपीएम ज़्यादा होगी। अब बात आती है ये दोनों की, तो ये दोनों में कैसे कंपेयर करें? ये प्लस आर इफेक्ट तो दोनों में सेम होगी। चलो नेक्स्ट आओ, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट यानी कि रिलीजिंग इफेक्ट एच ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगी और एच पेरा पे सबसे कम, यानी कि या प्रोटोन पे, ये पेरा वाला प्रोटोन पे सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट लगती है, यानी कि यहाँ पे रिलीजिंग इफेक्ट कम हो रही है, और रिलीजिंग इफेक्ट कम हो तो उसकी डेल्टा पीपीएम ज़्यादा हो जाएगी, बाद में आएगा एच ऑर्थो। क्या हो गया हमारा ऑर्डर? मेटा, पेरा एंड ऑर्थो। ये बात हुई कब की? जब प्लस आर और प्लस आई वाले ग्रुप हो। बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। यदि हमें ऐसा दिया हुआ है, समझना मेरी बात को, ग्रुप रखा हुआ है जिसकी इफेक्ट माइनस आर और माइनस आई है, तो ये बात हुई एच ऑर्थो की, एच मेटा और एच पेरा। समझो, ऑर्थो पे कौन कौन सी इफेक्ट लगेगी? माइनस आर एंड माइनस आई, यहाँ पे सिर्फ माइनस आई, यहाँ पे माइनस आर माइनस आई। समझो मेरी बात को, ये विड्रॉइंग इफेक्ट है, माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? विड्रॉइंग इफेक्ट। विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़े तो डेल्टा पीपीएम बढ़ती है, तो यहाँ डेल्टा पीपीएम का ऑर्डर क्या आएगा? देखो तो भाई, यहाँ माइनस आर से विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे भी माइनस आर से, यानी कि हम इतना पता चल गया कि ऑर्थो एंड पेरा मेटा से तो आगे आएंगे, क्योंकि मेटा पे तो सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे ऑर्थो एंड पेरा मेटा से आगे आएगा। मेटा से यदि आगे आए तो उसमें भी दो प्रोबेबिलिटी, या तो ऑर्थो आगे आएगा या तो पेरा आगे आएगा। उसके लिए क्या पता चलना चाहिए? उसके लिए देखो, ये आर इफेक्ट तो दोनों जगह सेम होगी, क्योंकि वो प्लेन से इफेक्ट होती है, आर इफेक्ट दोनों जगह सेम होगी। बात आ गई इंडक्टिव इफेक्ट की, तो आपको मालूम है इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पे ज़्यादा होती है, पेरा पे कम होती है। अब देखो कौन सी वाली इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट यानी कि विड्रॉ करती है, और ये विड्रॉ करती है तो एच ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट होती है, इसलिए वो पहले आएगा, बाद में क्या आएगा? एच पेरा आएगा, और बाद में क्या आएगा? एच मेटा आएगा। तो ये बात हो गई ऑर्थो, पेरा एंड मेटा। ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट होगी, बाद में आएगा पेरा, और यहाँ पे भी विड्रॉइंग इफेक्ट है लेकिन माइनस आई है, सिर्फ माइनस आई, इसलिए वो बाद में आता है। बात करते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल की। मान लीजिए यदि कोई ऐसा ग्रुप दिया हुआ मिले हमको कि जिसकी इफेक्ट प्लस आर और माइनस आई है, क्या है? प्लस आर और माइनस आई, तो लिख लो, पहले तो आराम से आप इफेक्ट लिख लेनी चाहिए कि यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट आएगी, माइनस आई इफेक्ट आएगी, मेटा है तो सिर्फ क्या आ सकती है? माइनस आई, और तो पेरा है तो प्लस आर एंड माइनस आई। और आपको पता होना चाहिए प्लस इफेक्ट यानी रिलीजिंग इफेक्ट एंड माइनस इफेक्ट यानी विड्रॉइंग इफेक्ट। देखो ये दोनों पे तो रिलीजिंग इफेक्ट लग चुकी है, ये दोनों पे रिलीजिंग इफेक्ट लग चुकी है, इसका मतलब ये दोनों की डेल्टा पीपीएम कम हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विड्रॉइंग इफेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ विड्रॉइंग। यदि सिर्फ विड्रॉइंग इफेक्ट हो तो ये एच मेटा सबसे पहले आएगा। अब देखो यहाँ पे दोनों रिलीजिंग इफेक्ट प्लस आर से लग रही है, ये दोनों तो सेम हो गया, लेकिन ये जो दूसरी विड्रॉइंग इफेक्ट लग रही है वो ऑर्थो पे ज़्यादा होगी, इसका मतलब उसके बाद आएगा ऑर्थो, और विड्रॉइंग इफेक्ट जो पेरा पे लग रही है वो सबसे कम है, इसलिए यहाँ पे आएगा पेरा। ये बात आपको याद रखनी है। तो पहला पॉइंट क्या था? प्लस आर और प्लस आई का, दूसरा माइनस आर माइनस आई का, तीसरा है प्लस आर माइनस आई का। ये तीन आपको मालूम हो तो आप कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, सोल्व कीजिए।
तो चलो एग्जांपल लिखो। पहला एग्जांपल आराम से सॉल्व करना, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो बताऊं उन्हीं के प्रोटॉन का लिखना है आपको। आपको डेल्टा पीपीएम का ऑर्डर लिखना है कि एच ऑर्थो पहले आएगा, मेटा आएगा या पेरा पहले आएगा। और ये तीन प्रोटॉन का ही लिखना है, बाकी बाद में देखेंगे हम। ऑर्थो, मेटा एंड पेरा। तीसरा एग्जांपल, आपको अब तो सारी इफेक्ट मालूम होगी, कौन से ग्रुप कौन सी इफेक्ट देते हैं। वीडियो पॉज करके ट्राई करो, पहले मैं सॉल्व करवाता हूँ। देखो यहाँ क्या है, NH2 है। NH2 यानी कि इसकी इफेक्ट हो गई प्लस R और दूसरी हो गई माइनस I। तो लिख लो प्लस R कहाँ पे आएगी, प्लस I कहाँ पे आएगी, वो सब आपको लिखना ही है। इफेक्ट लिखे बिना सॉल्व मत करना। यहाँ पे लिखो क्या आएगा, प्लस आर इफेक्ट आएगी, दूसरी माइनस आई इफेक्ट आएगी। यहाँ पे सिर्फ माइनस आई आएगी, यहाँ पे प्लस आर, दूसरी माइनस आई। देखो तो भाई यहाँ दोनों पे रिलीजिंग इफेक्ट हो गई, यहाँ रिलीजिंग भी एज वेल एज विड्रॉइंग इफेक्ट भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, विड्रॉइंग इफेक्ट है। तो आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको माना जाता है, ऑर्डर किसका क्या है, आर एच आई। यदि R इफेक्ट लग रही हो तो हम ये H और I को कंसिडर नहीं करते, यदि H लग रही हो तो I को कंसिडर नहीं करते। यहाँ पे R और R I दोनों लग रही है, इसका मतलब हम कंसिडर किसे करेंगे, पहले R को। यहाँ दोनों पे तो रिलीजिंग इफेक्ट हो गई, यहाँ पे ओनली क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब H मेटा सबसे पहले आएगा। दूसरी बात क्या आती है, ये दोनों पे रिलीजिंग इफेक्ट प्लस R इफेक्ट तो दोनों जगह सेम है। बात आती है इंडक्टिव इफेक्ट की। देखो तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पे इंडक्टिव इफेक्ट है और दूसरी पेरा पे है। तो आपको मालूम होगा कि ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होती है, यहाँ पे विड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा हो गई इसलिए वो पहले आएगा, और यहाँ पे विड्रॉइंग इफेक्ट कम हो गई इसलिए वो बाद में आएगा। इतनी बात आपको पता थी। अब तो आपको सिर्फ इफेक्ट लिख के सॉल्व करना है। एक ही बात याद रखनी है, कौन सी, कि जब जब विड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाए तब हमारी डेल्टा पीपीएम इंक्रीज होती है, और जब विड्रॉइंग इफेक्ट कम हो जाए यानी कि रिलीजिंग इफेक्ट लगने लगे तब हमारी डेल्टा पीपीएम रिलीजिंग इफेक्ट लगने से क्या होगा, कम हो जाएगी। यहाँ देखो ये ग्रुप की इफेक्ट कौन सी है, ये ग्रुप की इफेक्ट माइनस आर माइनस आई है। लिख लो पहले, तो यहाँ पे कौन सी इफेक्ट आएगी, माइनस आर, दूसरी आएगी माइनस आई, मेटा पे ओनली माइनस आई, यहाँ पे माइनस आर माइनस आई। तो डेल्टा पीपीएम क्या ऑर्डर क्या आएगा, देखो तो भाई ये सारी विड्रॉइंग इफेक्ट है। सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट कहाँ पे लगेगी, माइनस आर, ये सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ऑर्थो और पेरा पे लग रही है। लेकिन समझो ये जो माइनस आर इफेक्ट है ये तो ऑर्थो एंड पेरा दोनों पे सेम आ रही है। बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे निकालें। इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पे ज़्यादा होगी, पेरा पे कम होगी। यहाँ पे विड्रॉइंग इफेक्ट ये वाले प्रोटॉन पे ज़्यादा हो गई, विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ने से क्या होगा, उसकी डेल्टा पीपीएम ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस आर इफेक्ट है एज वेल एज माइनस आई इफेक्ट है, तो दूसरा आएगा एच पेरा, और लास्ट में यहाँ पे सिर्फ माइनस आई है इसलिए एच एम मेटा वाला लास्ट में आएगा। ये बात हो गई उसकी। इसकी इफेक्ट क्या है, नेगेटिव चार्ज से रेजोनेंस करेगा यानी कि प्लस आर, और ये खुद इलेक्ट्रॉनिकली रिच है इसलिए इसकी इफेक्ट हो गई प्लस आई। आई बात समझ में, तो यहाँ पे कौन सी इफेक्ट लिखेगी, लिख लीजिए प्लस आर प्लस आई, यहाँ पे सिर्फ प्लस आई, यहाँ पे प्लस आर प्लस आई। डेल्टा पीपीएम का ऑर्डर कैसे निकाले समझो, यहाँ दोनों पे तो रेजोनेंस इफेक्ट लग रही है, वो भी पॉजिटिवली रेजोनेंस है यानी कि ये रिलीजिंग इफेक्ट के अंडर में आ गई है ऑर्थो एंड पेरा। यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है
इंडक्टिव इफेक्ट काफ़ी कम लगती है, इसलिए सबसे पहले कौन आएगा, एच मेटा आएगा। बाद में देखो ये दोनों पे रिलीजिंग इफेक्ट यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तो सेम है आई आर इफेक्ट। बात आती है इंडक्टिव इफेक्ट की, इंडक्टिव इफेक्ट देखो ये ऑर्थो पोजीशन पे है, इसलिए यहाँ पे रिलीजिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगी और रिलीजिंग इफेक्ट ज़्यादा होने से डेल्टा पीपीएम कम हो जाती है। और यहाँ पे पैरा पे है इंडक्टिव इफेक्ट, इसका मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो इंडक्टिव इफेक्ट काफ़ी कम हो जाएगी, और रिलीजिंग इफेक्ट कम हो तो डेल्टा पीपीएम ज़्यादा हो जाएगी। तो एच पैरा आएगा और बाद में आएगा एच ऑर्थो। ये सारे आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कितने नंबर था ये रेजोनेंस, फोर्थ नंबर का। चलो फिफ्थ नंबर टाइटल लगा दीजिए, कार्बोकेटाइन एंड कार्बेन आयन फैक्टर में मेन फिफ्थ नंबर का पॉइंट। कार्बोकेटाइन एंड कार्बेन आयन फाइव नंबर। समझना बात को, एक न्यूट्रल है और दूसरा है जो नेगेटिवली चार्ज है। पहला कार्बोकेटाइन है, दूसरा न्यूट्रल और तीसरा एनायन है। सबसे ज़्यादा किस पे, सबसे ज़्यादा डेल्टा पीपीएम किसकी होगी, उसका रीज़न समझिए। एक बता देता हूँ, इसको हम डी शील्डेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी शील्डेड। और इसको हम क्या बोलते हैं, शील्डेड। इसको हम बोलते हैं शील्डेड, क्यों समझो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आपको शील्डेड और डी शील्डेड का मालूम हो जाए। ये जो सारे बॉन्ड बने हुए हैं, ये सारे बॉन्ड देखो तो भाई, ये बॉन्ड में क्या होगा, ये बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये सारे बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तो सब आपको मालूम है। हम बात कर रहे हैं ये वाले प्रोटॉन की, हम ये वाले प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, समझना। हम यहाँ से हमारा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, कल हमने जैसा किया था वैसा ही। यहाँ से हम अपना खुद का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन यहाँ सभी जगह क्या है, सभी जगह इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको पास नहीं होने देंगे, उसको रोक लेंगे। और यदि ऐसा हो तो हम ये वाले प्रोटॉन को ये भी बोल सकते हैं कि ये प्रोटॉन को ये सारे इलेक्ट्रॉन ने घेर लिया है, कवर बना दिया है इलेक्ट्रॉन का, और ये शील्ड, इसको ऐसे भी बोल सकता है ना, ये इलेक्ट्रॉन सारे ने ये प्रोटॉन के आसपास शील्ड बना दिया, और ये प्रोटॉन को शील्ड बनाने से ये प्रोटॉन शील्डेड प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हो गया इसके आसपास, और ये प्रोटॉन शील्डेड हो गया, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिकली क्या है, रिच है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। वैसा का वैसा देखो, यहाँ ये वाला एनायन, एनायन यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली रिच, यहाँ पे ये रिच है। तो देखना, हम ये प्रोटॉन की बात करते हैं, ये जो रेड वाले प्रोटॉन मैंने बताए, या तो मिथाइल की बात करो, दोनों सेम ही होगा। चलो मिथाइल की ही बात करते हैं, यहाँ पे जो मिथाइल है, ये जो मिथाइल है वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इसके आसपास होगा,
इसलिए हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा, और यदि यहाँ पे ना पहुँचे तो ये वाले मिथाइल को हम शील्डेड मिथाइल बोलते हैं, और ये वाले, ये दो देखो ये डेफिशिएंट है, यानी कि इसके आसपास जगह है, पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इसके आसपास जगह है, और जगह हो तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आसानी से उस तक पहुँच जाएगा, और पहुँचने से क्या होगा, उसकी एनर्जी बढ़ा देगा। इसका मतलब ये हो गया डीशील्डेड, ये हो गया शील्डेड, ये तो न्यूट्रल है, और आप जानते हैं डीशील्डेड प्रोटॉन की डेल्टा पीपीएम ज़्यादा होती है शील्डेड प्रोटॉन से। एक एग्जांपल लिखते हैं, ध्यान से समझना, सेवन मेंबर रिंग में कैटायन है, यहाँ पे ऐसा होगा ना, आपने देखा होगा पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब यहाँ पे 6 pi इलेक्ट्रॉन हो गए, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, 6 pi इलेक्ट्रॉन। बेंजीन भी हमारा क्या है, बेंजीन भी हमारा 6 pi इलेक्ट्रॉन है, ये भी 6 pi इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा क्या है, 5 मेंबर रिंग, इसको यदि मैं ऐसे लिखूँ तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, और ये भी क्या है, 6 pi इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 6 pi इलेक्ट्रॉन। लेकिन समझो, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक न्यूट्रल है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, तो सबसे ज़्यादा डेल्टा पीपीएम किसकी होगी, पॉजिटिवली चार्ज की डेल्टा पीपीएम ज़्यादा हो जाएगी, इसकी डेल्टा पीपीएम आएगी 9.2 समथिंग, नियर अबाउट 9.2, इसकी आती है 6.5 से 8.5 के बीच में, और इसकी क्या आएगी, 5.9 डेल्टा पीपीएम आएगी। आई बात समझ में, इसकी आएगी 9.2, इसका मतलब जब पॉजिटिवली चार्ज हो, जो कैटायन हो, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसलिए उसकी डेल्टा पीपीएम ज़्यादा होती है, न्यूट्रल है, और एनायन जो कि रिच है, उसकी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए उसकी डेंसिटी डेल्टा पीपीएम कम हो जाएगी। ये बात हुई कार्बोकैटायन एंड कार्बेनायन की बात। आगे बढ़ते हैं, और आपको अब समझ आ गया होगा शील्डेड प्रोटॉन किसे और बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके आसपास इलेक्ट्रॉन का शील्ड हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड उसके आसपास शील्ड बना देता है, इसलिए उसे शील्डेड प्रोटॉन बोलते हैं। बात आती है एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक की, एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक समझना, पहले बात करते हैं एरोमेटिक की। हमने देखा था कल इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में, अगले लेक्चर में क्या था कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या था, यहाँ से नीचे की ओर जाता है और बाहर से ऊपर की ओर आता है, नीचे की ओर और ऊपर की ओर, ऐसा था बेंजीन रिंग में, और मैंने वहाँ पॉइंट भी लिखाए थे कि यदि बेंजीन रिंग या तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन होंगे तो वो हाइड्रोजन शील्डेड हाइड्रोजन हो जाएंगे, और एरोमेटिक में बाहर के हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, डीशील्डेड हाइड्रोजन हो जाएंगे, क्योंकि रिंग के अंदर, अगले लेक्चर में फिर से आप याद कर लेना, अगले लेक्चर में मैंने बोला था रिंग के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन है, हमने इस ऐसी बात की थी ना, फिर से समझा देता हूँ, ये जो रिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कौन सी है, डाउन थी, और रिंग के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी थी, अप डायरेक्शन थी। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, क्या होता था, ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउन है रिंग के भीतर, और यहाँ से क्या होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अप है, दोनों की डायरेक्शन ओपोजिट हो गई, तो रिंग के अंदर के पार्ट, रिंग के अंदर का पार्ट है वो शील्डेड हो गया,
रिंग के बाहर का पार्ट क्या हो गया, डिसिल्डेड हो गया, ये सभी एरोमेटिक स्ट्रक्चर में ऐसा ही कौन से पाएगा। तो बात करते हैं एरोमेटिक में 18 एन्युलिन की। आप याद इसको याद रखना, मैंने वहाँ पे दो पॉइंट लिखाए थे वो भी आपको याद होने चाहिए। बात करते हैं 18 एन्युलिन की, कैसा होता है 18 एन्युलिन समझो। ये हो गया हमारा 18 एन्युलिन। यहाँ पे अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड रख दीजिए, कहीं पे भी sp3 कार्बन आना नहीं चाहिए। देख लो, यहाँ से लिखता हूँ मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 कार्बन है। देखो मैं हाइड्रोजन बता रहा हूँ, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, ये हाइड्रोजन, ये रहा 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे बाहर की ओर, यहाँ पे अंदर की ओर, यहाँ बाहर, यहाँ पे भी बाहर, यहाँ पे भी बाहर, यहाँ अंदर बाहर, यहाँ पे भी बाहर, यहाँ अंदर, यहाँ बाहर। देखो तो भाई ये हो गया हमारा 18 एन्युलिन, कैसा दिख रहा है। दिवाली में जो हम रंगोली करते ऐसा नहीं है, और ऐसे करना भी मत। ये 6 हाइड्रोजन रिंग के अंदर की ओर आ गए, और ये जो 12 हाइड्रोजन है रिंग के बाहर की ओर है। हमने वहाँ एक पॉइंट लिखा था, क्या लिखा था कि इनर एच, इनर हाइड्रोजन होगा वो शील्डेड होगा, और आउटर एज क्या होगा, डीसील्डेड होगा। आई बात समझ में है, तो यहां लिख सकते हैं इनर 6 एच आर सील्डेड, और इसकी डेल्टा पीपीएम -3 से -2 तक हो सकती है, -3 से -2 डेल्टा पीपीएम हो सकती है। और ये जो आउटर 12 एच है, आउटर 12 एच हाईली डी सील्डेड है, उसकी डेल्टा पीपीएम 9.0 से 9.8 तक हो सकती है। ये बात हुई एरोमेटिक की, क्योंकि एरोमेटिक में क्या होगा, रिंग के अंदर का पार्ट यानी कि रिंग के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी डायरेक्शन डाउन होगी, हमारे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अप हो जाएगी, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्रॉस हो गई, ऑपोजिट हो गई। या बाहर वाले जो 12 प्रोटॉन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अप हो जाएगी, हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अप है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, इसकी डेल्टा पीपीएम ज़्यादा हो जाएगी। एक ही बात याद रखना है, एरोमेटिक में अंदर के जो हाइड्रोजन होंगे, रिंग के अंदर के हाइड्रोजन, वो हाईली शील्डेड होंगे, और बाहर के हाइड्रोजन होंगे वो हाईली डीशील्डेड होंगे। ये बात थी एरोमेटिक की, लेकिन एंटी एरोमेटिक में क्या होगा, एंटी एरोमेटिक में बात बदल जाएगी, समय का चलन बदल जाएगा, वैसे ही इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का चलन भी बदल जाएगा। एरोमेटिक में रिंग के अंदर का भाग क्या था, रिंग के अंदर वाला पार्ट शील्डेड था, लेकिन एंटी एरोमेटिक में रिंग के अंदर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, डीसील्डेड हो जाएगा। बात करते हैं 16 एन्युलिन की, 16 एन्युलिन एंटी एरोमेटिक है, क्या है ये, एंटी एरोमेटिक है समझो।
ये हो गया हमारा 16 एन्युलिन। देखो यहाँ पे मैं प्रोटॉन बता देता हूँ आपको, देखो ये चार प्रोटॉन रिंग के अंदर की ओर आए और ये इसके सिवा के प्रोटॉन रिंग के बाहर की ओर आए। आई बात समझ में? तो हमने एंटी एरोमेटिक का भी लिखा था, क्या लिखा था कि इनर एच आर डीशील्डेड एंड आउटर एच आर शील्डेड। तो देखो भाई यहाँ पे अंदर की ओर चार हाइड्रोजन है और बाहर की ओर कितने हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 हाइड्रोजन हो गए। तो ये जो डी शील्डेड है उसकी डेल्टा पीपीएम आएगी 12 से 14 के बीच में, और ये जो आउटर शील्डेड हाइड्रोजन है बाहर के जो 12 हाइड्रोजन है उसकी डेल्टा पीपीएम आएगी -2 से +1 तक। क्या आ सकती है? -2 से +1 तक। ये आपको याद रखनी है, आपको इतना तो याद होना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड हो तो उसमें रिंग का अंदर का हिस्सा या तो रिंग के अंदर के प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? शील्डेड हो जाएंगे, रिंग के बाहर के प्रोटॉन डीशील्डेड हो जाएंगे। एंटी एरोमेटिक में रिंग के अंदर के प्रोटॉन डीशील्डेड हो जाएंगे, रिंग के बाहर के प्रोटॉन शील्डेड हो जाएंगे। यदि आपको सिर्फ इतना मालूम हो फिर भी आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में कंपेरेटिवली वो जो मैच करने आती है ना पेर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको डेल्टा पीपीएम भी दी होगी, आपको सिर्फ पेर बनानी है कि ये इनसे जुड़ा हुआ है और ये वाला इनसे जुड़ेगा, इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए। हम इसके क्वेश्चन भी देखेंगे आगे। बात आती है 7 नंबर, समझो ये वो जो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक 6 नंबर था। बात आती है एच बॉन्डिंग की, एच बॉन्डिंग दो टाइप के होते हैं समझना। एक तो होता है इंट्रामोलेक्यूलर और दूसरा क्या होता है? इंटरमोलेक्यूलर। इंट्रामोलेक्यूलर यानी खुद में ही बॉन्ड बनाना, इंट्रा यानी इंटर यानी क्या होगा, वो जो दो मोलेक्यूल हो गए वो एच बॉन्डिंग से जुड़े हुए, इंट्रा एक ही में बॉन्ड बनेगा। देखो ये ओ एच और यहाँ पे मैंने क्लोरीन रख दिया, एच बॉन्डिंग बनेगा हाइड्रोजन और क्लोरीन की लोन पेयर के बीच में, ये बन गया इंट्रा। जो एक ही मोलेक्यूल में बॉन्ड बना है एच बॉन्ड उन्हें इंट्रा बोलेंगे, लेकिन इंटर किसे बोलेंगे? दो अलग अलग मोलेक्यूल, यहां पे मैंने सीएल रख दिया और यहां पे ओएच रख दिया। ध्यान से देखना ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसे हम इंटरमोलेक्यूलर एच बॉन्ड बोलते हैं। और एक बात याद रखना, इंट्रामोलेक्यूलर एच बॉन्ड, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इनकी कंपेयर में, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। और ये जो एच बॉन्ड है ये वीक होता है, क्योंकि ये अपने ही कंपाउंड में बॉन्ड बनाया, ये दूसरे कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाता है। इसकी डेल्टा पीपीएम क्या आएगी? इसकी डेल्टा पीपीएम समझना 8 से 12 तक आ सकती है।
इसकी रेंज है। अब बात समझो, मैं समझाने जा रहा हूँ। अब हम ये दोनों में वाटर एडिशन करते हैं, यानी कि इसका डिल्यूशन करते हैं, करता है इसका डिल्यूशन करते हैं। इसमें दोनों में वाटर ऐड किए जा रहे हैं। देखो तो भाई, इसमें वाटर ऐड करो तो क्या होगा, एच बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगा? नहीं, एच बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होगा, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता होगा, कम हो जाता है। जैसे जैसे हम वाटर ऐड करते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। हम ये प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, ये डेल्टा पीपीएम ये वाले प्रोटॉन की है। तो यहाँ पे हमने वाटर एडिशन किया, लेकिन डेल्टा पीपीएम पे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। इसकी डेल्टा पीपीएम भी पहले कितनी थी, 8.8 डेल्टा पीपीएम है। ध्यान से देखो, इसकी डेल्टा पीपीएम मैं बता देता हूँ आपको क्या है, 8.8 डेल्टा पीपीएम है। लेकिन यहाँ मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वाटर ऐड कर रहा हूँ, यानी कि ये मॉलिक्यूल में ये जो एच बॉन्डिंग है उसमें यदि वाटर एडिशन करो, जब जब वाटर एडिशन किया जाए तो ये दोनों मॉलिक्यूल दूर होते जाएंगे और कुछ डिस्टेंस के बाद ये एच बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पे हम डिल्यूशन करें तो ये दोनों मॉलिक्यूल दूर होते जाएंगे, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे और ये एच बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगा, और यदि एच बॉन्डिंग ब्रेक हो जाए तो ये तो हमें फिनोल मिल गया। आई बात समझ में? ये क्या मिल गया हमें, फिनोल मिल गया। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फिनोल। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब इंटरमोलेक्यूलर एच बॉन्डिंग हो उसमें डिल्यूशन करे तो इसे लिख सकते हैं इफेक्ट ऑन डिल्यूशन, यस और नो? यस, यहाँ पे डिल्यूशन की इफेक्ट हुई, और इफेक्ट हो तो इसकी डेल्टा पीपीएम कम हो जाएगी, इसका डेल्टा पीपीएम 4.4 हो जाएगी। याद रखना, इसकी डेल्टा पीपीएम 4.4 हो जाएगी। क्या हुआ, क्योंकि पहले ये एच बॉन्डिंग से जुड़े हुए थे दोनों मॉलिक्यूल, जैसे जैसे हमने डिल्यूशन किया ये एच बॉन्डिंग ब्रेक हो गया और हमें सिर्फ और सिर्फ फिनोल मिल गया। फिनोल की क्या रेंज है, 4 से 10, इसकी डेल्टा पीपीएम आ गई 4.4। लेकिन यहाँ डिल्यूशन करो तो भाई, यहाँ डिल्यूशन करने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल भले ना, चलो यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल रख दो, यहाँ मैंने दूसरा मॉलिक्यूल रख दिया, लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल में तो इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है। ये डिल्यूशन करने से ये दोनों मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे, लेकिन ये एच बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, और एच बॉन्ड यदि ब्रेक ना हो तो नो इफेक्ट ऑन डिल्यूशन, ऐसा लिख सकते हैं, नो इफेक्ट ऑन डिल्यूशन। और यदि डिल्यूशन की कुछ भी इफेक्ट ना हो तो इसकी डेल्टा पीपीएम 8 से 12 के बीच में आएगी। ये बात थी इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की और इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की। एक बात याद रखना, इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पे डिल्यूशन की कुछ भी इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन इंटर पे डिल्यूशन की इफेक्ट होती है। जैसे जैसे डिल्यूशन किया जाता है इसकी डेल्टा पीपीएम कम हो जाती है, क्योंकि हमें जो ये OH का सिग्नल मिलेगा, ये H का सिग्नल, वो फ्री OH का मिल जाएगा, फिनोल का मिल जाएगा। ये बात थी H बॉन्डिंग की। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेट का 4 मार्क का क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप ट्राई कीजिए, बाद में मैं सोल्व करवाता हूँ। लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए। द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्ड प्रोटॉन इन कॉलम पी विथ H1NMR केमिकल शिफ्ट। शिफ्ट
इन डेल्टा पीपीएम, इन कॉलम क्यू, कॉलम पी में पहला, दूसरा और तीसरा मैं यहां लिखता हूं बात करनी हमें ये प्रोटॉन की 1, 2, 3 और ये क्यू कॉलम दिया हुआ है, क्यू कॉलम में ए दिया हुआ है, इसका 6.72 डेल्टा पीपीएम, बी दिया हुआ है 16.4 डेल्टा पीपीएम एंड सी दिया हुआ है -0.61 डेल्टा पीपीएम। इसके ऑप्शन लिखो 1 ऑप्शन ए, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन ए में पहला जिसे रोमन में बताया हुआ है 1, ये है 2 और ये है 3, समझो। 1 से यदि ए हो, दूसरा ऑप्शन है 2 के साथ बी, और तीसरा ऑप्शन है 3 के साथ सी। पहला 1 के साथ बी, दूसरा बी के साथ ए, और तीसरा 3 के साथ सी। तीसरा ऑप्शन पहले के साथ बी, दूसरे के साथ सी, और तीसरा तीसरे के साथ ए, चौथा पहले के साथ सी, दूसरे के साथ बी, और तीसरे के साथ ए, समझो। पहले तो आपको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का पता होना चाहिए, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का पता होना चाहिए। तो कैसे एरोमेटिक किसे कहे और एंटी एरोमेटिक, आपने एरोमेटिसिटी का लेक्चर यदि पढ़ा हो और नहीं देखा हो तो यूट्यूब पे जाके देख लेना, एरोमेटिक किसे बोलते हैं और एंटी एरोमेटिक किसे बोलते हैं। मैं आपको यहाँ तक समझा देता हूँ। यहाँ से हमें बॉन्ड बाहर की तरफ से बॉन्ड टच करना है, बाहर की तरफ से बॉन्ड टच करना है और उंगली से करना। यदि ये उंगली हमारे बॉन्ड को टच कर सके या तो ये पेन हमारे बॉन्ड को टच कर सके तो हम इसके इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ लिखो पहले तो ये 2π 4 6 10 4 6 8 10 12 एंड 14, ये हो गया 14π इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहाँ देखो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में से हमें सिर्फ और सिर्फ 2π इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर करने हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 6, यानी कि ये हो गया हमारा 12π इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब यहाँ देखो ये तो सिंपल है, sp2 कार्बन पे दिया हुआ प्रोटॉन है। अब देखो ये 14π हो गया, ये 12π हो गया। 14π यानी कि ये कंपाउंड कौन सा है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। 12π यानी ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। सिंपल बात, आपको यहाँ अभी कुछ नहीं दिखने का। यहाँ देखो एरोमेटिक कंपाउंड में अंदर वाला प्रोटॉन शील्डेड होता है, ये बात हमने सीखी थी, ये शील्डेड प्रोटॉन हो गया। एंटी एरोमेटिक में अंदर वाला प्रोटॉन, ये एंटी एरोमेटिक अंदर वाला प्रोटॉन हाईली डीशील्डेड होता है, यानी कि इसकी डेल्टा पीपीएम सबसे ज़्यादा होगी। तो ये 1 नंबर में सबसे ज़्यादा आएगी, इस यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, अरे सॉरी यहाँ पर आएगा ना, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर 1 नंबर लिख दिया। ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में अंदर, भाई एरोमेटिक कंपाउंड में अंदर वाला प्रोटॉन शील्डेड होता है, यानी कि इससे कम आएगी। तो यहाँ पे 3 नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे तो सिंपल 2 नंबर आ जाएगा,
देखो ऐसा ऑप्शन है कहीं है। पहले में क्या आया, पहले में आया बी, पहले में आया ये वाले दो ऑप्शन हो सकते हैं, पहले में बी आ गया। दूसरा, दूसरे में क्या आया, दूसरे में आया ए, दूसरे में आया ए, तीसरे में आ गया सी, ये आ गया हमारा आंसर। हमें मालूम ही नहीं था कि डेल्टा पीपीएम किसकी क्या है, लेकिन सिर्फ इतना मालूम था एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर वाला प्रोटॉन क्या होगा, शील्डेड होगा। एंटी एरोमेटिक में अंदर वाला प्रोटॉन डी शील्डेड होगा। इसके ये कितना देगा, 4 मार्क्स देता है ये, कितना, 4 मार्क्स। और ऐसे ही अगले क्वेश्चन आप आगे कौन से पढ़े जाएंगे तब हम देखेंगे, कहीं सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, टाइटल लगा दीजिए इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। थर्ड नंबर, हमने दो पोर्शन पढ़ लिए एनएमआर के, कौन से वाले, पहला कौन सा पढ़ा, नंबर ऑफ सिग्नल, दूसरा कौन सा पढ़ा, पोजीशन ऑफ सिग्नल। अब बात आती है तीसरी, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, या तो इसे हम क्या बोलते हैं, दूसरा पीक एरिया ऑफ सिग्नल। दूसरा क्या बोलते हैं हम उसे, पीक एरिया ऑफ सिग्नल। तो टाइटल लगा दीजिए इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। समझो, पहले कहीं साल पहले कैसे स्ट्रक्चर ग्राफ से कैसे निकाला जाता है, हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ है, यदि समझना तो इसमें पहले स्क्वायर किए जाते थे, ये हो गया स्क्वायर, यहाँ पे भी ऐसे स्क्वायर किए जाते थे। अब समझो स्क्वायर से कैसे सिग्नल निकालते हैं, कितने प्रोटॉन का ये सिग्नल होगा। मान लीजिए मैं ये बता दूं, एक प्रोटॉन का 5, ये 5 स्क्वायर से एक प्रोटॉन का सिग्नल बताता है। अभी समझाने के लिए देख रहा हूँ, 5 स्क्वायर से ये 5 प्रोटॉन का 5 स्क्वायर हो तो एक प्रोटॉन, एक हाइड्रोजन का सिग्नल मिलता है। और यदि मैं यहाँ बता दूँ आपको कि ये 10 प्रोटॉन से, ये 10 स्क्वायर है, इसमें है 25 स्क्वायर और इसमें है 15 स्क्वायर, कितने है, 15 स्क्वायर। तो ये वाला जो सिग्नल है ये कितने प्रोटॉन का होगा, 5 स्क्वायर यानी कि एक प्रोटॉन, तो 10 स्क्वायर यानी कि 2 प्रोटॉन हो गए, 5 स्क्वायर यानी कि एक प्रोटॉन, तो 25 स्क्वायर यानी कि 5 प्रोटॉन से सिग्नल मिला हमें, ये 15 यानी कि 3 प्रोटॉन का। तो इससे पता चलता है कि ये पीक 2 प्रोटॉन से मिला हुआ है, ये पीक हमें मिला है इसका 5 प्रोटॉन का है और ये पीक 3 प्रोटॉन का है। ऐसे पहले निकाला जाता था, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं हुई। अब आगे पोजीशन इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, इसको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं हम अगले पढ़ेंगे, अगले पोर्शन में आएगा। ऐसे कुछ एग्जांपल भी लिख देते हैं, चलो कैसे इसके एग्जांपल सोल्व किए जाते हैं। लेकिन ये तो इंटेंसिटी की बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ से मोलर रेशियो से यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपको सोल्व करना चाहना चाहिए। तो क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो पहला क्वेश्चन एग्जांपल। हमें उसमें क्या पता होता था, ऐसे वाले क्वेश्चन नेट और गेट में नहीं आएंगे, ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ बाद में वो सिखाऊंगा वो आ सकते हैं, ये नेट और गेट में नहीं आएंगे। लेकिन यदि आपको एमएससी में हो या बीएससी में हो तो उसकी थियरी की क्लासेस में आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपकी बीएससी और एमएससी के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये हमें मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, ए बी सी डी एंड ई, टोटल 5 सिग्नल है हमारे पास, कितने,
सिग्नल, और ये सिग्नल में 15 स्क्वायर है, ये वाले सिग्नल में 5 स्क्वायर है, इसमें भी 5 स्क्वायर है, इसमें 25 स्क्वायर है और इसमें 5 स्क्वायर है। तो अब हमें पता लगाना है कि ये सिग्नल में कितने, बी में कितने प्रोटॉन, सी में कितने प्रोटॉन, डी में और ई में कितने प्रोटॉन से ये सिग्नल मिले हुए हैं। तो इसका आंसर कैसे निकाले, समझो। ऐसा डेटा आपको एग्जाम में दिया होगा। अब क्या करना है, ये जो सारे के सारे हैं, ये सारे का टोटल कर दीजिए आप, कितने स्क्वायर होते हैं पहले वो निकालिए। 5, 10, 15, 25, 20 एंड 25 यानी कि आ गया 5, यहाँ पे क्या आएगा 2, 2, 1, 3, 3 एंड 5, टोटल 55 स्क्वायर है। ये सबका मैंने टोटल निकाल दिया, टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे ग्राफ में 55 स्क्वायर है। और हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है 10, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं कि 55 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 प्रोटॉन, या तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 55 स्क्वायर से 10 प्रोटॉन, तो हमें या तो इसका त्रिराशि, इसकी ट्रायंगल कैसे बनाए, 10 प्रोटॉन से, हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 10 प्रोटॉन, तो इसका टोटल स्क्वायर कितना आया 55 स्क्वायर। हमें चाहिए कितने प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का स्क्वायर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 55 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 कर दो, यानी कि एक प्रोटॉन का आ गया हमारा, एक प्रोटॉन का 5.5 स्क्वायर। अब कैसे करना है, अब इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितने हैं, टोटल 15 स्क्वायर है टोटल प्रोटॉन का, हमें चाहिए कितने, एक प्रोटॉन से उसके डिवाइड कर दीजिए, इसका आंसर नियरली इक्वल टू 3 आएगा। और एक बात समझना, इसका आंसर यदि 2.9 आए, 2.8 आए, तो कहीं ऐसे प्रोटॉन तो हो गए नहीं आपके मॉलिक्यूल में, चलो 2.8 प्रोटॉन है, 2.9 प्रोटॉन है, आपको नियरली इक्वल टू लिखना है। नियरली इक्वल टू, ये ए वाला सिग्नल 3 प्रोटॉन से बना हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाय 5.5 कीजिए, तो इसका आंसर नियरली इक्वल टू 1 आएगा, इसका भी नियरली इक्वल टू 1 ही आएगा। यहाँ पे 25 अपॉन 5.5 कीजिए, इसका आंसर नियरली इक्वल टू 4 आएगा, ध्यान से देखना ये 4 के नज़दीक होगा। और यहाँ 5 प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 5.5 यानी कि 1 प्रोटॉन। एक बात आप, ये सही है या गलत, यहाँ से चेक लगा करो, 3, 1, 1, 5 हो गए, और ये 5, यानी कि टोटल प्रोटॉन आपके यहाँ 10 ही होने चाहिए, आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, जितने दिए हुए हो प्रोटॉन उसी आंसर यहाँ आना चाहिए, तो ही आप सही हो। और ऐसे क्वेश्चन नेट और गेट में नहीं आएंगे, लेकिन एमएससी या बीएससी की आपकी अपनी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसलिए इसको कैसे सोल्व करें, पहले जो दिया हुआ है उसका सबका टोटल कर लो, टोटल कितने स्क्वायर आ गए उसके हिसाब से आप एक प्रोटॉन के स्क्वायर निकाल लो, और ये जो एक प्रोटॉन का स्क्वायर आया सबको उससे डिवाइड कर दो। यहाँ डिवाइड करने से यहाँ नियरली इक्वल टू 3 आएंगे, 1, 1, 4, 1, ये बात हुई इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल में। एमएससी में कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, नेट और गेट में मोलर रेशियो से कैसे क्वेश्चन आते हैं, बात करते हैं उसकी, समझो। तो आइए बात करते हैं ये डिटर्मिनेशन ऑफ इंटेंसिटी फ्रॉम दी मोलर रेशियो, मोलर रेशियो से इंटेंसिटी, इंटेंसिटी फ्रॉम दी मोलर रेशियो, हमें चाहिए क्या, इंटेंसिटी समझना। ऐसे क्वेश्चन नेट में या गेट में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, और इसका आंसर आसान होता है लेकिन वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो पहले तो यहाँ पे क्या होगा, Cl या कोई बिग ग्रुप होगा, समझो। हमें प्रोटॉन कितने हैं हमारे अलग अलग, नॉन इक्विवेलेंट 2 प्रोटॉन है ना, यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है, ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट हो गए। इसको कैसे लिखेंगे, समझो, यहाँ जितने प्रोटॉन हो ना उस वो नंबर लिखना है हमें, क्या जितने प्रोटॉन हो वो नंबर लिखना है। यहाँ पे क्या, कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन, और यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो उसके हिसाब से उसकी इंटेंसिटी तय हो सकती है। इंटेंसिटी यानी कि प्रोटॉन की हाइट, समझो, हमने अगले देखा था ना, यदि ये इसका मैं सिग्नल लूँ, इसका सिग्नल क्या आएगा समझने के लिए बता रहा हूँ, ये यदि 3 प्रोटॉन का है तो ये उससे छोटा 2 प्रोटॉन का होगा,
ये दोनों की इंटेंसिटी क्या बोला जाता है, 3J2 इंटेंसिटी हो गई पहले सिग्नल की। ये जो 3 प्रोटॉन है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी और ये जो 2 प्रोटॉन उसकी इंटेंसिटी कम आएगी। इसका मतलब अब यहाँ सिर्फ ये अब समझ में आ गई ना कि 3 प्रोटॉन की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, 2 प्रोटॉन की इंटेंसिटी पीक की हाइट कम होगी। वैसे ही जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे हमारी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, प्रोटॉन कम हो तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है। यहाँ सिर्फ अब मैं क्या लिखूँगा, इंटेंसिटी लिखूँगा, बार बार पीक नहीं ड्रॉ करूँगा। इसकी इंटेंसिटी आएगी 3J2। यहाँ देखो, यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे भी 3 प्रोटॉन है, तो यहाँ ये और ये दोनों का कितना इक्विवेलेंट यूज़ करने को बोला हमें, 1J1 इक्विवेलेंट। यानी कि यहाँ कैसे लिखे, ये वाले प्रोटॉन की इंटेंसिटी 2 आएगी, 2 प्रोटॉन है इसलिए, यहाँ पे 3 आ गई तो इसकी इंटेंसिटी आएगी 2J3 आएगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो तो भाई 1J1 इक्विवेलेंट यूज़ करने को बोला, बेंजीन में कितने प्रोटॉन है, और ऐसे मालूम ना हो तो ऐसे लिख लेना, यहाँ पे कितने प्रोटॉन हो गए, 6 प्रोटॉन हो गए। यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, 3 हाइड्रोजन है, ये 6J3 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ से मैं 3 निकाल लेता हूँ कॉमन, ये दोनों में से 3 कॉमन निकाल लो तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1। यानी कि इसकी इंटेंसिटी हो गई 2J1। यदि ये दोनों को मिक्स करके पीक आए तो ये कैसा पीक आएगा, मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी कितनी है, 2J1 है ना, तो इसकी इंटेंसिटी ये आ गई बेंजीन के प्रोटॉन की, तो इसकी इंटेंसिटी का हाइट इतनी आएगी। ये 2 प्रोटॉन का पीक है और ये 1 प्रोटॉन का, या तो एम ऐसा भी बोल सकते, ये कितने प्रोटॉन का पीक है, 6 प्रोटॉन का, तो ये 3 प्रोटॉन का पीक आ गया। यानी कि इंटेंसिटी बढ़ने से हमारे प्रोटॉन की हाइट क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती, पीक की हाइट बढ़ती चली जाती है, इसकी इंटेंसिटी आएगी 2J1। हमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये दोनों का एक एक इक्विवेलेंट यूज़ करें तो इसकी इंटेंसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, तो 2J1 आएगा। वैसे ही यहाँ देखो तो यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, लेकिन हमें इक्विवेलेंट दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। हमें ऐसा बोला कि इसका 2 इक्विवेलेंट यूज़ करो, इसका एक ही इक्विवेलेंट यूज़ करो, तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ जो भी डिजिट दिया हुआ है यहाँ उसको मल्टीप्लाई ये प्रोटॉन से कर दो। पहले तो यहाँ 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन हो गए, ये सिंपल। अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट, इसका 2 इक्विवेलेंट यूज़ करना हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2H का क्या हो जाएगा, 4। इसका एक ही इक्विवेलेंट यूज़ करने का है, इसका एक यानी कि 3 प्रोटॉन थे तो उससे एक से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गए। इसका मतलब 4J3 इंटेंसिटी हो गई। फिर से समझा रहा हूँ, पहला काम क्या करना है हमको, पहला कुछ नहीं देखना स्ट्रक्चर में, सिर्फ देखो कहाँ पे प्रोटॉन दिया हुआ है, यहाँ कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन तो लिख लो, यहाँ पे 2 प्रोटॉन, यहाँ पे 3 प्रोटॉन तो 3 प्रोटॉन लिख लिए। अब देखो इक्विवेलेंट, यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट यूज़ करने को बोला तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट यूज़ करने को बोला तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 हो जाएंगे, 3 × 1 1 3 हो जाएगा। वैसा ही यहाँ देखते हैं इंटेंसिटी, इसका इंटेंसिटी का ऑर्डर समझो ध्यान से। 1J2 इक्विवेलेंट बोला, पहला काम क्या करेंगे, ये दोनों में प्रोटॉन लिखो, यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। अब क्या बोला, 1J2 इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 इक्विवेलेंट बोला तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आंसर आ जाएगा 6, यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा 6। यदि ये दोनों में से मैं 6 को कॉमन निकाल लूँ तो 1J1 इंटेंसिटी हो गई, क्या हो गई, 1J1। यानी कि यदि इसका पीक ड्रॉ किया जाए तो कैसा आएगा, इसका पीक दोनों सेम हाइट में मिलेंगे, दोनों की इंटेंसिटी क्या है भाई, 1J1। इसका मतलब दोनों के पीक की इंटेंसिटी भी सेम हो गई, इसका आंसर आएगा 1J1 हमारा आंसर हो गया। चलो यहाँ देखो, देखो यहाँ 3 आ गए, कुछ नहीं करना, जैसे 2 में करते थे वैसे ही 3 में करेंगे। पहला काम यहाँ के प्रोटॉन लिख लो, यहाँ बेंजीन में 6 प्रोटॉन 6 हाइड्रोजन लिख लिया, प्लस आए वहाँ क्या लिखना हमें, जेम, यहाँ पे क्या है, 3 प्रोटॉन लिख लो, यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गए,
फिर जेम यहाँ पे के दो प्रोटॉन दो हाइड्रोजन लिख लिए। यहाँ पे हम इसने बोला कि तीनों के एक एक इक्विवेलेंट यूज़ करने हैं, तो यह कैसे आंसर निकाल सकते हैं, 6 GM 3 GM 2 आएगा, इसकी इंटेंसिटी क्या आएगी, 6 GM 2 GM 3 आ गई। और इसके यदि पीक ड्रॉ किया जाए तो कैसा आएगा, मान लीजिए ये 6 प्रोटॉन का है तो उससे आधा किसका हो जाएगा, 3 प्रोटॉन का, और उससे कम किसका हो जाएगा, 2 प्रोटॉन का। ऐसे पीक हमें एनएमआर में मिल सकते हैं, लेकिन ये पीक हमें नहीं पूछे जाएंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी इंटेंसिटी पूछी जाएगी। ये है हमारा इसका आंसर, 6 GM 3 GM 2। यहाँ पहला काम कुछ नहीं करने का, लिख लो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हो गई बात। अब देखो मोलर रेशियो कितना दिया हो, इसका 1 इक्विवेलेंट तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका 2 इक्विवेलेंट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका भी 1 इक्विवेलेंट इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर 6 आएगा इसका, इसका आंसर भी क्या आएगा, 6, इसका आंसर आएगा 2। और ऐसे आंसर नहीं दिए होंगे, जब तक कोई भी डिजिट कॉमन निकल रहा है तो निकाल दो, ये सारे में से 2 कॉमन आ जाएगा ना, निकाल दो, तो यहाँ क्या बचेगा, 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 1, 3 3 1 हमारी इंटेंसिटी हो गई। तो ये बात हुई मोलर रेशियो से इंटेंसिटी कैसे तय करें, आई बात समझ में। लेकिन कभी कभी क्या पूछते हैं वो लोग कि यदि, चलो देखते हैं, यदि मुझे ये दोनों को मिला के ये दोनों का मिक्सर करना है हमें, और मुझे चाहिए इंटेंसिटी 1 GM 1 में, समझना उल्टा के क्वेश्चन पूछते हैं घुमा फिरा के, मुझे ये दोनों का मिक्सिंग चाहिए, इसको हटा देता हूं मैं पहले, उसने ऐसा बोला मुझे इंटेंसिटी 1 GM 1 में चाहिए, क्या क्वेश्चन क्या था, ये दोनों को मिला के इंटेंसिटी 1 GM 1 में चाहिए, तो ये दोनों का मोलर रेशियो मुझे कितना लेना होगा, ये दोनों का मोलर रेशियो कितना लेना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, समझो। पहला काम क्या करेंगे, पहला काम हम यहाँ से प्रोटॉन लिखेंगे, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 2 GM 3 हो जाएगी। लेकिन हमें इंटेंसिटी चाहिए किस में, 1 GM 1 में, यदि हमें ये 1 GM 1 में चाहिए तो ये दोनों डिजिट सेम होने चाहिए, और ये दोनों डिजिट सेम कैसे हो सकते हैं, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसका आंसर आएगा 6, इसका भी 6 आ जाएगा, यानी कि इसकी इंटेंसिटी हो गई 1 GM 1, आई बात समझ में। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा ये आंसर होगा कि हम इसका यदि 3 इक्विवेलेंट यूज़ करें और इसका 2 इक्विवेलेंट यूज़ करें तो बात बन जाएगी, इसका आंसर है 3 GM 2 इक्विवेलेंट यूज़ करने से हमें इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, 1 GM 1। फिर से बताता हूँ, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ये दोनों को कितने मोलर रेशियो में मिक्स करने से हमारी इंटेंसिटी 1 GM 1 आती है, तो पहला कैसे करें, दोनों के प्रोटॉन लिख लो, दोनों के प्रोटॉन लिखने से आपके मालूम हो जाएगा कि यह 2 GM 3 आया। अब दोनों को मुझे सेम करना है, ये दोनों डिजिट सेम करने हैं, तो क्या करना होगा, क्रॉस गुणाकार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये 2 क्रॉस 3 हो गया, ये 3 क्रॉस 2 हो गया, दोनों की इंटेंसिटी सेम हो गई, 1 GM 1 आ गई। तो हमने जिनसे मल्टीप्लाई किया उतने मोलर रेशियो यदि हम यूज़ करें तो उसकी इंटेंसिटी 1 GM 1 आ सकती है, तो ये बात हुई। चलो यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं, समझना ध्यान से बात। यदि मैं बता दूँ, यदि इसको कह दूँ कि मुझे ये दोनों की इंटेंसिटी 1 GM 1 चाहिए, क्या चाहिए, ये दोनों की इंटेंसिटी 1 GM 1 चाहिए, तो हमें ये दोनों के कितने मोल, कितने इक्विवेलेंट यूज़ करने होंगे। तो पहला काम क्या करना है, पहले तो इसके प्रोटॉन लिखिए, बाद में इसके प्रोटॉन,
यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? इसकी इंटेंसिटी पहले तो ये दोनों में से कॉमन निकालना होगा, 3 को कॉमन निकाल लीजिए, 3 को कॉमन निकालने से 2m1 इंटेंसिटी आएगी। ये आ गई हमारी पहले वाली इंटेंसिटी 2m1, लेकिन हमें चाहिए क्या? 1m1। यदि हमें 1m1 चाहिए तो क्या करना होगा? तो हम करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? इसकी 2 क्रॉस 1 2 1 क्रॉस 2, ये भी आ गया 2, यानी कि इसकी इंटेंसिटी 1m हो जाएगी, 1m1। ये दोनों दो में से 2 कॉमन निकाल लो, 1m1 आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ आती है ना, हमने मल्टीप्लाई किससे किया फिर वो देखना है। हमने जिससे मल्टीप्लाई किया, ये 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका 1 इक्विवेलेंट यूज़ करेंगे, इसका 2 इक्विवेलेंट यूज़ करेंगे, तो हमारी इंटेंसिटी क्या आ सकती है? 1m1 आ सकती है। तो ये था क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। पहले तो तीनों के हाइड्रोजन लिखो और मुझे, मैं बता दूँ आपको कि मुझे इसकी इंटेंसिटी 1m1m1 में ही चाहिए। तो पहला काम क्या करेंगे? कुछ नहीं, पहले तो तीनों के हाइड्रोजन लिख लो। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है बेंजीन में, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, बात हो गई। इसकी इंटेंसिटी का रेशियो 3m2m ये आएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या? 1m1m1 में। यदि ये सब को मैं सेम डिजिट कर दूँ, ये सारे के डिजिट यदि सेम हो जाए, तो कोई भी डिजिट कॉमन निकाल के हम 1m1 में ला सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? जो बड़ा होगा वैसा ही करना होगा। यदि समझना मेरी बात को, ये 6 है और ये दोनों को भी मैं यदि 6 कर दूँ, ये दोनों को भी 6 कर दूँ, तो 6 कॉमन निकाल के 1m1m आंसर आ जाएगा। तो 6 करने के लिए मुझे इसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, फाइनल आंसर 6 क्रॉस 1 6 हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 6 हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 6 हो जाएगा। ये सब में से मैं 6 कॉमन निकाल लूँ तो आंसर आ जाएगा 1m1m1। हमारी इंटेंसिटी तो मिल गई हमें, हमने किससे किन को मल्टीप्लाई किया यहाँ देखना है। ये 6 वाले प्रोटोन को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 3 से, यानी कि ये बेंजीन का 1 इक्विवेलेंट यूज़ करेंगे, ये जो साइनाइड वाला ग्रुप है मिथाइल साइनाइड, इसका 2 इक्विवेलेंट यूज़ करेंगे, CH2Cl2 का हम 3 इक्विवेलेंट यूज़ करें, तो हमें इंटेंसिटी 1m1m1 में मिल सकती है। तो ये अगला क्वेश्चन, आप इसकी इंटेंसिटी मुझे, इसका आंसर मुझे 1m1m2 इसकी इंटेंसिटी चाहिए। ये है इंटेंसिटी का ऑर्डर, तो मुझे मोलर रेशियो निकाल के कमेंट बॉक्स में लिख देना या तो मैसेज कर देना। समझना, इंटेंसिटी मुझे 1m1m2 में चाहिए, तो ये सबके मोलर रेशियो कितने होंगे उसका आंसर मुझे मैसेज कर देना। आगे बढ़ते हैं, ये बात हुई इंटेंसिटी की, अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर NMR में लास्ट टॉपिक क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, विच इज़ वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो टाइटल लगा दीजिए फोर्थ नंबर, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। समझना ध्यान से, कोई भी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। CH2 CH Y और Y, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलेंगे वो तो आपको अभी आना होगा, पता चल ही जाएगा। इसको यदि मैं A बोल दूं तो ये B आ जाएगा, ये दोनों प्रोटॉन सेम है,
ए वाले दोनों प्रोटॉन सेम है और बी के एक प्रोटॉन अलग है। अब बात करनी है स्प्लिटिंग की, तो समझो ये जो ए वाला प्रोटॉन है, ए के दो प्रोटॉन है, उसका स्प्लिटिंग कौन करेगा और ये बी का स्प्लिटिंग कौन करेगा। उसके लिए आपको एक बात समझनी होगी, ये जो ए के दोनों प्रोटॉन है, समझना ए के दोनों प्रोटॉन कैसे है, इक्विवेलेंट है तभी तो दोनों प्रोटॉन का हमने कॉमन सिग्नल लिखा। लेकिन उसके बगल में ये जो हमने बी लिखा, बी लिखा इसका मतलब ये हो गया ए और बी दोनों नॉन इक्विवेलेंट हो गए। क्या हो गए? नॉन इक्विवेलेंट। और आसपास में रहने वाले नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हमारे प्रोटॉन का स्प्लिटिंग कर सकता है। ये ए का बगल में रहने वाला बी, ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट है, ए के पास में बी है, ये जो बी वाला प्रोटॉन हमारे ए का स्प्लिटिंग करेगा। फिर से एक दोहराता हूँ, समझो ए का स्प्लिटिंग कौन करेगा भाई? ए का स्प्लिटिंग करता है उसके आसपास रहने वाला नॉन इक्विवेलेंट, यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कौन सा है? बी वाला प्रोटॉन। ये जो बी वाला प्रोटॉन हमारे ए के दोनों प्रोटॉन का स्प्लिटिंग करेगा। और दूसरी बात, बी का स्प्लिटिंग कौन करेगा? बी का स्प्लिटिंग ये दोनों प्रोटॉन करेंगे। क्या? ये दोनों ए के दोनों प्रोटॉन बी का स्प्लिटिंग करेंगे। कैसे स्प्लिटिंग कर सकते हैं? समझो यहाँ पहले मैं बात करता हूँ सी एच की, या तो ए की स्प्लिटिंग ऑफ ए, स्प्लिटिंग ऑफ ए, ए ए यानी सी एच टू। ये सी एच टू का स्प्लिटिंग कौन करेगा? सी एच टू का स्प्लिटिंग करेगा सी एच। समझो ये बात अभी मैं समझा रहा हूँ लेकिन आगे आपको आसानी से आ जाएगा। ये कैसे होता है ये समझा देता हूँ पहले, बाद में तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से स्प्लिटिंग पता लगा लेंगे। हम बात किसकी कर रहे हैं? ए की, ये आपको मालूम होना चाहिए। ए का स्प्लिटिंग कौन करता है? बी वाला प्रोटॉन। तो बी वाला प्रोटॉन स्प्लिटिंग कैसे करेगा? समझो फिर से, ये ए की बात कर रहे हैं, याद रखना ये जो हमने लिखा ये ए का, ये सी एच टू का स्प्लिटिंग ये करता है सी एच। अब कैसे? यहाँ देखो तो प्रोटॉन कितने हैं? एक ही प्रोटॉन है। और ये प्रोटॉन की स्पिन या तो अप हो सकती है या प्रोटॉन की स्पिन डाउन हो सकती है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आई? एक प्रोबेबिलिटी, इसका आंसर लिखेंगे वन। यहाँ पे भी एक प्रोबेबिलिटी, इसका आंसर आएगा वन। यानी कि ये दोनों को मिला के इन्होंने स्प्लिटिंग कर दिया वन जेम वन में, इसकी इंटेंसिटी हो गई वन जेम वन। समझो पहले ये जो ए के प्रोटॉन का सिग्नल आता था वो ऐसा आता था, कैसा? सिंगलेट, ऐसा सिंगलेट। जब कोई इसका स्प्लिटिंग नहीं करता था तब ये सी एच टू का सिग्नल है। किसका है? सी एच टू का। कब का? जब बगल में कोई भी इसका ये सी एच टू के स्प्लिटिंग करने वाला नहीं था तब। लेकिन अब ये स्प्लिटिंग करने वाला आ गया सी एच, सी एच ने स्प्लिटिंग कर दिया किस में? वन जेम वन में। अब ये सी एच टू का ग्राफ कैसा आएगा? अब ग्राफ आएगा ऐसा, इन्होंने वन जेम वन में स्प्लिटिंग कर दिया, ये वन जेम वन में स्प्लिटिंग हो गया। ये स्प्लिटिंग यहाँ से ही होता है, समझो। ये पहले तो ये ग्राफ ऐसा था ना, लेकिन स्प्लिटिंग हुआ तो ये ग्राफ कैसा हो गया? ये ग्राफ हो गया ऐसा, देखो यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, सिंगलेट में से डबलेट हो गई, ये सिंगलेट में से डबलेट हो गई। ये बात हुई सी एच की, सी एच टू ने सी एच टू के प्रोटोन को दोनों प्रोटोन के स्प्लिटिंग किसने कर दिया? ये सी एच ने कर दिया। तो इसका ग्राफ आएगा ऐसा, इसको हम डबलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबलेट। आई बात समझ में? अब बात करते हैं ये सी एच की, किसकी बात करते हैं? सी एच की। सी एच का स्प्लिटिंग कौन करेगा भाई? समझना मेरी बात को, ये वाला सी एच है, स्प्लिटिंग ऑफ सी एच, स्प्लिटिंग ऑफ सी एच। सी एच का स्प्लिटिंग कौन करता है? उसके बगल वाला नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, ये सी एच के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन उसका स्प्लिटिंग करेगा। नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या है? सी एच टू है। कितने प्रोटॉन है? दो प्रोटॉन है। तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे, या तो दोनों प्रोटॉन की स्पिन अप हो सकती है
या दोनों प्रोटॉन की स्पिन क्या हो सकती है, डाउन भी हो सकती है। तीसरी प्रोबेबिलिटी भी आती है, या तो एक प्रोटॉन की स्पिन अप हो और दूसरे प्रोटॉन की स्पिन डाउन हो। आई बात समझ में, ये दो प्रोटॉन है, दोनों डाउन हो सकते हैं, या तो एक डाउन हो सकता है या तो दोनों अप हो सकते हैं। लेकिन देखो तो भाई, इसमें भी दो चेंज आएंगे, क्या आएगा? हमने यह कहाँ रखा, पहला प्रोटॉन है मान लीजिए, ये ऊपर वाले प्रोटॉन का सिग्नल है, यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ बता दूँ, ये अप है, ऊपर वाला प्रोटॉन अप है, तो ऊपर वाला प्रोटॉन डाउन भी हो सकता है और नीचे वाला प्रोटॉन अप भी हो सकता है, इतनी प्रोबेबिलिटी आती है। यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी मिली, ये दोनों को मिला के हम इसको एक प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, यहाँ पे एक, ये दोनों को मिला के एक, ये दोनों को मिला के दूसरी, यहाँ पे दो आ गई, यहाँ पे भी एक, यानी कि इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, 1:2:1 हो गई, समझो, हो गई ना 1:2:1 हो गई। ये बात किसकी चल रही है, सी एच की स्प्लिटिंग कौन करेगा उसकी, किसकी, ये हाइड्रोजन का स्प्लिटिंग कौन करेगा, उसके बगल वाला प्रोटॉन, बगल में दो प्रोटॉन है, तो बगल में दो प्रोटॉन हो तो कैसा स्प्लिटिंग होगा, समझो। पहले सी एच का ग्राफ कैसा था, पहले सी एच का ग्राफ हाइड्रोजन का सिंगलेट था, जब तक उसके बगल में कोई स्प्लिटिंग करने वाला नहीं था तब ऐसा ग्राफ आएगा। लेकिन यहाँ पे तो है, कौन सा है, सी एच टू है, सी एच टू ने स्प्लिटिंग कर दिया, किस में कर दिया, 1:2:1 इंटेंसिटी में, यानी कि इसकी इंटेंसिटी 1 हो तो ये 2 हो गई और ये फिर से 1 हो गई, ऐसा स्प्लिटिंग हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं 1:2:1 इंटेंसिटी, 1, 2, 3 यानी कि तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे ट्रिप्लेट। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रिप्लेट। वो यहीं से हुआ, देखो पहले सिंगलेट था लेकिन क्या हो गया, फिर से इसका स्प्लिटिंग हो गया और ये हो गया हमारा ट्रिप्लेट। देख रहा है आपको, ये 1:1 और ये 2, 1:2:1 इसकी इंटेंसिटी ऑर्डर है और इसका ग्राफ आएगा ऐसा। तो ये बात हुई सी एच के स्प्लिटिंग की। चलो एक और आगे बढ़ते हैं, कुछ और दिखाता हूँ। और ये जो सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, वो हम तो डायरेक्ट लिखेंगे, वो आपको सिखा दूंगा डायरेक्ट कैसे आएगा। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी, वो जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ से आया है, इसके हिसाब से आया है, इसलिए ये उसका बेसिक है जो हमें आना चाहिए, हमने वो सीख लिया। अब बढ़ते हैं आगे, आपको एक ही बात याद रखनी है, स्प्लिटिंग कब होगा, क्यों होगा और कैसा होगा। मान लीजिए कोई भी ग्रुप है मिथाइल से जुड़ा हुआ है, कोई भी मिथाइल, कोई भी किसी का भी स्प्लिटिंग करता है। ये मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक प्रोटॉन रख दिया। अब बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सी एच। ये जो ये वाला हाइड्रोजन है, सर्कल किया हुआ है, ये हाइड्रोजन का स्प्लिटिंग कौन करेगा, उसके बगल में रहने वाला नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, उसके बगल में देखो है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, हाँ भाई यहाँ पे तीन तीन प्रोटॉन नॉन इक्विवेलेंट है। तो ये जो सी एच थ्री है, ये सी एच थ्री, ये हाइड्रोजन का स्प्लिटिंग करेगा, तो कैसे करेगा, तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी आएगी। यहाँ पे तीन प्रोटॉन है तो सोचो तीनों की डायरेक्शन अप होगी, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, तीनों की डायरेक्शन हो जाएगी, तीनों की स्पिन डाउन हो जाएंगी। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है, या तो दो प्रोटॉन की स्पिन अप हो लेकिन एक प्रोटॉन की स्पिन डाउन भी, ऐसी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जितनी सारी प्रोबेबिलिटी हो सारी की सारी लिखनी है हमें। यहाँ पे एक ही डाउन है लेकिन ये जो डाउन है उनमें भी पहला अप है, दूसरा अप, तीसरा डाउन, ये प्रोबेबिलिटी उसमें भी अलग आएंगी। यदि दूसरा डाउन हुआ तो ये दोनों अप हो गए, यदि पहला डाउन हुआ तो ये दोनों भी अप हो गए। अरे पता चलता है ना आपको, ये एक प्रोटॉन डाउन था, दो प्रोटॉन अप थे, लेकिन जब दो प्रोटॉन डाउन हो और एक प्रोटॉन अप हो, यहाँ तीसरा वाला अप है, यदि दूसरा वाला अप भी हो सकता है या तो पहले वाला अप भी हो सकता है, तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी हुई, यहाँ पे एक, यहाँ 1, 2, 3, यहाँ पे तीन प्रोबेबिलिटी,
यहाँ पे भी तीन प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसकी इंटेंसिटी का ऑर्डर हो गया 1 जेम 3 जेम 1 1 जेम 3 जेम 3 जेम 1। समझो अभी मैंने ये, मैं ये बोल दूँ ओनली सी एच है, ओनली सी एच, तो उसका पीक कैसा आएगा, इसका पीक कैसा आएगा सिंगलेट। लेकिन हम उसके बगल में सी एच थ्री रख दे तो ये जो तीनों प्रोटॉन है ये हाइड्रोजन का स्प्लिटिंग कर देंगे, क्योंकि ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। ये सी एच का स्प्लिटिंग हो गया, किसने किया, सी एच थ्री ने किया, किसमें किया, सी एच थ्री ने इसका स्प्लिटिंग, इसकी इंटेंसिटी क्या आ गई, 1 जेम 3 जेम 1 आ गई। तो मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी का ऑर्डर ऐसा था 1 जेम 3 जेम 1 है, तो ये आ गया उसका स्प्लिटिंग 1 जेम 3 जेम 3 जेम 1 1 2 3 4, चार पार्ट में स्प्लिटिंग किया, तो इसको हम बोलेंगे क्वार्टेट। क्या बोलेंगे, क्वार्टेट। ये उसका बेसिक था। अब हम देखते हैं डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। समझो उसके लिए क्या है, तो कि लिखो पहले तो नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, फिर आता है स्प्लिटिंग, फिर आता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इसको पास्कल ट्रायंगल भी बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल। समझो यदि हमारे पास एक प्रोटॉन है, मैं बता देता हूं आपको, ये जो सी एच है हमें ये प्रोटॉन पे ही फोकस करना है। ये प्रोटॉन का स्प्लिटिंग कौन कर सकता है, तो कि उसके अगल बगल में रहने वाले प्रोटॉन कर सकते हैं। आई बात समझ में, ये प्रोटॉन हमारे प्रोटॉन का स्प्लिटिंग कौन कर सकता है, उसके अगल बगल में रहने वाले प्रोटॉन को नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब उसके आसपास कितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन के आसपास कितने प्रोटॉन है जो हमारे प्रोटॉन का स्प्लिटिंग किस में करेंगे। यदि ये प्रोटॉन के आसपास कोई भी प्रोटॉन नहीं है, जीरो है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलेट। ये प्रोटॉन के आसपास कोई भी प्रोटॉन ना हो तो इसका स्प्लिटिंग नहीं हो सकता, इसे हम बोलेंगे सिंगलेट, और इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी इंटेंसिटी आएगी 1 जेम 1, या तो इसकी इंटेंसिटी 1 लिख सकते हैं, क्या आएगी 1 जेम नहीं 1 ही आएगी। यदि ये प्रोटॉन के आसपास मैंने यहाँ एक प्रोटॉन रख दिया, समझना मेरी बात को, यहाँ पे एक प्रोटॉन मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये सर ये प्रोटॉन लिख दिया, इसको मैं एच ए बोल दूँ और ये एच बी हो गया, तो ये एच बी है ये हाइड्रोजन का स्प्लिटिंग करेगा। देखो तो एच ए के बगल में कितने नॉन इक्विवेलेंट आ गए, एक प्रोटॉन, तो उसका स्प्लिटिंग किस में करेगा, डबलेट में करेगा, डबलेट यानी इसे हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी इंटेंसिटी आएगी 1 जेम 1 आएगी। यदि ए के बगल में दूसरा, यहाँ एक है दूसरा रख देता हूँ, यानी कि दो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो जाएंगे, तो इसका स्प्लिटिंग किस में होगा, ट्रिपलेट में होगा, और इसे हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी इंटेंसिटी आएगी 1 जेम 2 जेम 1 आएगी। यदि तीन नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो तो उसे हम क्वार्टेट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वार्टेट, उसे हम क्यू आर से रिप्रेजेंट करेंगे, क्वार्टेट। 1 जेम 3 जेम 3 जेम 1 इंटेंसिटी आएगी। यदि नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन चार हो तो उसे हम क्विंटेट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्विंटेट, क्यू टी भी लिख सकते हैं या तो मल्टीपल भी लिख सकते हैं, एम मल्टीपल, यहाँ से हम मल्टीपल लिख सकते हैं। इसकी इंटेंसिटी आएगी 1 जेम 4 जेम 6 जेम 4 जेम 1 आएगी। यदि नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन 5 हो जाए तो इसे हम सेक्स्टेट कहते हैं, इसे हम
मल्टीपल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे मल्टीपल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी इंटेंसिटी आएगी 1 जेम, 5 जेम, 10 जेम, 10 जेम, 5 जेम, 1। यदि नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन 6 आ जाए तो इसे हम हेप्टेट कहते हैं। इसे भी हम मल्टीपल या तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, या तो दूसरा कॉम्प्लेक्स, इसे भी कॉम्प्लेक्स लिखा जा सकता है। इसकी इंटेंसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, 1 जेम, 6 जेम, 15 जेम, 20 जेम, 15 जेम, 6 जेम, 1, और ऐसे कोई भी आ सकता है। आपको ये याद रखना है, यदि नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन 0 है तो सिंगलेट होगा, 1 है तो डबलेट होगा, 2 है तो ट्रिपलेट, 3 है तो क्वार्टेट, 4 है तो क्विंटेट, 5 है तो सेक्स्टेट, 6 है तो हेप्टेट, या तो कॉम्प्लेक्स मल्टीपल भी लिख सकते हैं। यह आया इंटेंसिटी का ऑर्डर, और इसे याद रखना बहुत ही आसान है, समझो मेरी बात को। इसको कैसे लिखोगे, ये 1 ऐसा का ऐसा लिख लिया, ये दोनों को मिला के आ गया 2, और ये फिर 1 ऐसा लिख दिया, ये 1 ऐसे लिख दिया, ये दोनों को मिला के आ गया 3, फिर से ये दोनों को मिला के आ गया 3, ये 1 ऐसा का वैसा, ये 1 ऐसे के ऐसा, ये दोनों को मिला के आ गया 4, ये दोनों को मिला के आ गया 6, ये दोनों को मिला के आ गया 4, ये 1। ए भाई देखो, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही आसान है, ये दोनों को मिला के आ गया 5, ये 1 ऐसा का ऐसा, ये 1, ये दोनों को मिला के 6, ये दोनों को मिला के 15, ये मूलों को मिला के 20, 15, 6, फिर से आसान है। क्या करना है, मिलाते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा, लेकिन हम प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे कि आपको आसानी से याद रह जाएगा। और एक बात, स्प्लिटिंग का फॉर्मूला क्या है, स्प्लिटिंग इज इक्वल टू 2ni+1, क्या है 2ni+1, एन यानी नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, आई यानी न्यूक्लियर स्पिन। हम बात कर रहे हैं यहां H1NMR की, H1NMR में I की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ये फॉर्मूले में लिख देते हैं। स्प्लिटिंग समझना, कहां से कहां जाएंगे हम, ये 2N की वैल्यू हमें नहीं मालूम, रहने दो, 1/2 I की वैल्यू रख दी, 1, 2 टू कैंसिल आउट, N+1, ये हो गया हमारा स्प्लिटिंग का फॉर्मूला। देखो ये है स्प्लिटिंग का फॉर्मूला, N+1, यहाँ n 0 लिखो, यहाँ 0 लिखो, आंसर आएगा 1 आ गया, स्प्लिटिंग है, हो या सिंगलेट में स्प्लिटिंग हुआ, यहाँ पे 1 रखो, डबलेट में हो गया स्प्लिटिंग, यहाँ पे 2 रखो, ट्रिपलेट में हो गया स्प्लिटिंग, n की वैल्यू यदि 3 हो तो क्वार्टेट में हो गया, 4 में स्प्लिटिंग हो जाएगा, n की वैल्यू यदि 4 हो तो 5 में स्प्लिटिंग हो जाएगा, n की वैल्यू यदि 5 हो तो 6 में स्प्लिटिंग हो जाएगा। ये N+1 फॉर्मूले से स्प्लिटिंग हमने तय की हुई है। बात हुई स्प्लिटिंग की, अब हम बात करते हैं कैसे स्प्लिटिंग किस में होती है। एग्जांपल लिखता हूँ, आप सॉल्व कीजिए, पहले एक दो में करवा देता हूँ, बाद आप में होमवर्क में करना है। स्प्लिटिंग ऑफ ए मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ बी, समझो यहां पे मैं एक मॉलिक्यूल लिखता हूं एक्स CH2 CH2 Y, दो सिग्नल आएंगे ना, एक तो ए आएगा, आपको पहले क्या काम करना है,
कितने सिग्नल आएंगे वो लिखना है। यहाँ पे दो सिग्नल आते हैं, मैंने लिख दिया दो सिग्नल। अब स्प्लिटिंग ऑफ ए, यानी कि ये CH2 का स्प्लिटिंग कौन करेगा, उसके बगल में रहने वाला नॉन इक्विवेलेंट CH2, ये नॉन इक्विवेलेंट है, तो ए का स्प्लिटिंग आपको यहाँ लिखना है, बी का स्प्लिटिंग आपको यहाँ लिखना है। देखो ये ए का स्प्लिटिंग कौन करेगा भाई, ए के दोनों प्रोटॉन का स्प्लिटिंग, बगल में रहने वाले नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन है, दो है, तो स्प्लिटिंग किस में हो जाएगा, ट्रिपलेट में, यहाँ लिखता हूँ ट्रिपलेट, टी सिंपल डायरेक्ट ही लिखना। और यहाँ पे क्या है, ये स्प्लिटिंग ऑफ बी, बी का स्प्लिटिंग कौन करेगा, ए करेगा, ए पे कितने प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन, तो ये भी किस में करेगा, ट्रिपलेट में करेगा। एक और एग्जांपल समझाता हूँ, समझो एक और एक बात, जैसा मैं लिखूँ वैसा ही रहने देना, आप वैलेंसी सेट मत करना, वैलेंसी सेटिस्फाई मत करना, यहाँ मुझे मालूम है यहाँ एक वैलेंसी कम है, फिर भी मैंने लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इसके कितने सिग्नल, दो, यहाँ पे भी एक ए और दूसरा क्या आएगा, बी। ए का स्प्लिटिंग कौन करेगा भाई, बी वाला प्रोटॉन करेगा, बी पे कितने प्रोटॉन है, बी पे एक प्रोटॉन है, यानी कि ये एक प्रोटॉन ये दोनों प्रोटॉन का स्प्लिटिंग करेगा, एक प्रोटॉन यदि स्प्लिटिंग कर रहा हो तो उसका आंसर हम लिखेंगे डबलेट। अब ये बी का स्प्लिटिंग कौन करेगा, ये बी का स्प्लिटिंग करेगा ए वाला प्रोटॉन, ए पे कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन, तो इसका आंसर आएगा ट्रिपलेट। आई बात समझ में, मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आप ट्राई कीजिए। आपको वैलेंसी सेट नहीं करनी है, जैसी दिख रहा है वैसा ही रहने दो। ये सारे आपके होमवर्क में, सारे आप होमवर्क में लिख लेना, अगले लेक्चर में फिर से देखेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।